हेलो गाइस, तो पिछली वीडियो में गाइस हमने देखा था कि आपके जो ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपडेट्स होते हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हो गूगल माय बिजनेस डैशबोर्ड के थ्रू। यहाँ पे आपने देखा था कि आप कैसे आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, एक तो बात करेंगे हम रिव्यूज़ की सबसे पहले, कि यहाँ पे जो आपके रिव्यूज़ यहाँ पे आते हैं, जितने भी कस्टमर होंगे, आप किसी को भी अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज जो है सेल कर रहे हो, तो उस पर आपको जो है रिव्यू सबसे पहले लेने ही लेने होंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है गाइस, तो जितनी भी अगर आपको अच्छे जितनी भी सर्विसेज आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो ऑब्वियसली बात है वो रिव्यूज़ होंगे, अच्छे ही प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उनको है जो बोल भी सकते हो कि हमें प्लीज़ रिव्यू करें यहाँ पे गूगल की लिस्टिंग पे, जिससे कि जो ट्रस्ट होगा कस्टमर्स के अंदर वो आपका जो है बिल्ड और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिव्यूज़ पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो हम सारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने उस पर रिव्यूज़ यहाँ पे अपलोड किए हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, और रिप्लाइड में आप देख सकते हैं और हैवेंट रिप्लाइड, जिसको आपने रिप्लाई नहीं किया। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ हो सकें आप सबको जो है रिप्लाई यहाँ से करोगे। ठीक है, तो सबको आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर द फीडबैक, तो आपको जितने भी रिव्यूज़ होंगे सब पे आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें आप चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे आप रिप्लाई डाल सकते हैं सबको। ठीक है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है आपके कस्टमर्स के अंदर। कोई भी अगर आपकी जो सर्चिंग कोई भी आपके लिस्टिंग या कोई भी आपके बिज़नेस के बारे में सर्च करता है गूगल पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी देख सकते हैं 165 यहाँ पे हमारे जो है गूगल रिव्यूज़ हैं, तो आप सबको यहाँ पर रिप्लाई करोगे, रिव्यूज़ में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपको ये हो चुका है और इन्फॉर्मेशन एडिट करना हमने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि इन्फॉर्मेशन आप कैसे एडिट कर सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ़र है तो वो भी हमने आपको इसमें बता दिया था कि कैसे कोई भी आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी वो आप कैसे इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ इसमें हम जो बात करेंगे वो है लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जो कोई भी आपके जो बिज़नेस सर्च करता है या कि नेचर ऑफ टाइप सर्च करा आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग, तो उसमें जो आपके लिस्टिंग है कैसे आपके रिव्यूज़ जो है उसमें आपको हेल्पफुल करेंगे यहाँ पर, तो इसे कहते हैं लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपके जो जैसे आसपास कोई मैप के अकॉर्डिंगली, जैसे आसपास यहाँ पर कोई सर्च करेगा लोकेशन के हिसाब से, और जो आपका बिज़नेस है वो टॉप पे कैसे शो करेगा, तो उसे कहते हैं लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करेंगे हम, तो जो आपकी लोकेशन होगी लोकेशन के आसपास जो है आपको वो सर्च करेगा। ठीक है, तो मैंने डाला था यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले तीन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं रेस्टोरेंट, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ ये जो तीन रेस्टोरेंट है गूगल मेरे को ये शो कर रहा है, तो इन्होंने जो लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा कर रखा है अपने लिस्टिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, जैसे इसके यहाँ पे 26 है और 4.9 रेटिंग है, तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा रिव्यूज़ होंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में उतना ही आपको टॉप पे शो करेगा गूगल, ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेटिंग, तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, सबसे पहले एक बार लिस्टिंग ओपन करके देखते हैं, अब वो रेस्टोरेंट्स भी हो सकता है या कोई भी क्लोथिंग शॉप नियर मी, क्लोथ शोरूम नियर मी, तो कुछ भी सर्च कर सकते हैं आपके यहाँ पे कस्टमर्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिंक जो दे रखा है swiggy.com का यहाँ पे दे रखा है, ये भी ओपन कर लेते हैं। डाइन इन है, टेक अवे है, वो भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ये भी डिस्प्ले कर रहा था जस्ट एड्रेस, अगर आप इस बिज़नेस के ओनर हो तो आप यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉग इन करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने जो स्विगी पे अपनी जो लिस्टिंग है वो कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे, तो ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो रिव्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे आपके अच्छे होने चाहिए, रिव्यूज़ भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे फ़ोटोज़ के साथ यहाँ पे जो कस्टमर ने अपडेट डाल रखा है तो वो भी है बेस्ट, यहाँ पे ये भी रिव्यूज़ डाल रखे हैं, तो रिव्यूज़ जितने भी अच्छे खासे हैं सब ने यहाँ पे डाल रखे हैं, और मोस्टली जितनी है 5 रेटिंग ही है सबकी यहाँ पे, जैसे इस कस्टमर ने फोटोज़ भी यहाँ पे डाल रखी हैं इसकी। ठीक है, तो सबकी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 5 ही रेटिंग है, किसी हो सकता है 4.5 हो, इसलिए 4.9 शो कर रहा है आपको,
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी 4 रेटिंग है, तो इसलिए 4.9 आपको यहाँ पे जो है शो करा गूगल। तो जितनी अच्छे से अच्छी रेटिंग होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपका जो बिज़नेस है टॉप पे गूगल शो करेगा। फिर बाकी देख सकते हैं आप, जैसे ही हो गया इसकी 4 रेटिंग है, तो रेटिंग के हिसाब से गाइस आपको जो है गूगल शो करा कितनी रेटिंग्स हैं, कितने रिव्यूज़ हैं और कितनी क्या उसकी मतलब रेटिंग कितनी है। जैसे इसकी भी 4.9 है, लेकिन 12 इसमें सिर्फ उसमें रिव्यूज़ हैं, वो भी इसमें मैटर करेगा। और बाकी ये भी इसमें है कि आप कैसे उसमें डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं अपने उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें आप जो है चेक कर सकते हैं अपना कि क्या लिस्टिंग आप किस हिसाब से अपना जो बिज़नेस है उसमें आपको, जैसे उन्होंने जो है अपनी सारी फ़ोटोज़ भी ऐड कर रखी हैं, तो यहाँ पे जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी जो है रेटिंग होगी, उसी हिसाब से जो आपकी लिस्टिंग लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल उतना ही आपको ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ही आपका कंसेप्ट था जो कि आपको जो है ध्यान रखना अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग। और कोई भी नियर बाय लोकल उसमें जैसे सर्च करेगा आपके एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से आपको जो अपनी प्रोफाइल है मैनेज करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर द डे।